वेलकम बैक फ्रेंड्स, साईं एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट 5 के बारे में। बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर आज हम एक वीडियो आप तक लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। अगर अभी तक आपने इस चैनल साईं एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट के लिए इस चैनल साईं एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मस्ट वॉच अवर प्रीवियस वीडियोज़ ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस एंड बैंकिंग एब्रिविएशंस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर ये आज का 5वां वीडियो है। इसके 4 वीडियो यानी कि 4 मॉड्यूल बैंकिंग अवेयरनेस के हम पहले ही पोस्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने DIC GC के बारे में, RBI की सब्सिडरीज़ के बारे में, RBI के फंक्शंस के बारे में बहुत ही क्वालिटी कंटेंट के साथ वीडियो आपके साथ शेयर करी हैं। अगर अभी तक आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे वीडियो के हमारे चैनल साईं एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको बैंकिंग अवेयरनेस की प्लेलिस्ट मिलेगी। उन सारे वीडियोस को ज़रूर वॉच कर लीजिए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक मिल जाएगा। और बैंकिंग एब्रिविएशंस यानी कि फुल फॉर्म्स के ऊपर भी हमारी एक सीरीज़ चल रही है इसी चैनल पर, तो वो वीडियोस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं SBI PO BOP के लिए और नेशनल इंश्योरेंस और न्यू इंडिया इंश्योरेंस के एग्ज़ाम्स के लिए। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस हमारे नहीं देखे हैं तो हमारी वीडियो की हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको उन वीडियोज़ के बारे में आप जानकारी मिल जाएगी। आज का जो वीडियो है, आज की जो वीडियो क्लास है, इसमें हम बात करेंगे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में यानी कि NPCI के बारे में। NPCI स्टैंड्स फॉर नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। अगर हिंदी में हम इसका बात करें NPCI क्या है, तो यह है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ठीक है, क्या है NPCI, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। NPCI इज़ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल रिटेल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया विच एम्स टू अलाउ ऑल इंडियन पीपल टू हैव स्मूथ एक्सेस टू ई पेमेंट सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। एट प्रेजेंट देयर आर 10 प्रमोटर बैंक्स ऑफ द NPCI इंक्लूडिंग SBI, PNB, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, HDFC, सिटी बैंक एंड HSBC। सर्विसेज ऑफ NPCI। NPCI की NPCI करता क्या है, NPCI क्या क्या काम करता है, किन किन चीज़ों को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है NPCI, तो वो यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए, ये यहाँ पर आपके बैंकिंग के एब्रिविएशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्ज़ाम में, बैंकिंग का ट्रेंड है ये कि GA की सेक्शन में एक या दो या दो या तीन इवन बैंकिंग एब्रिविएशन, चाहे वो SBI PO हो, SBI क्लर्क हो, IBPS PO हो, पूछे ही जाते हैं। तो ये भी आपके साथ ही साथ तैयार होते जा रहे हैं। वैसे हमने स्पेशलाइज्ड आपको 3 से 4 वीडियो दिए हुए हैं एब्रिविएशन के ऊपर, वहाँ पर ये सारे हमने कवर किए हैं। जैसे NACH स्टैंड्स फॉर नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, तो वहाँ पर एग्ज़ाम में आपसे पूछ लेगा कि वॉट डज C स्टैंड्स फॉर इन NACH। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। सर्विसेज के बारे में, सर्विसेज ऑफ NPCI इंक्लूड्स, नंबर 1, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। अभी हम 1 by 1 इनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि ये NACH क्या है, ये क्या काम करता है बैंकिंग इंडस्ट्री में, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एक एक के बारे में। जितने भी 9 यहाँ पर टोटल लिखे हुए हैं, हर एक के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सेकेंड है नेशनल फाइनेंशियल स्विच, NFS, इसके बारे में हम जानेंगे कि ये क्या है। थर्ड पार्ट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI। फोर्थ है भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम ऐप, जो कि बहुत अभी न्यूज़ में भी था पिछले 1-2 महीने से, तो इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम यानी कि IMPS, चेक ट्रंकेशन सिस्टम CTS, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम APBS एंड भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS। ये सारी सर्विसेज हैं NPCI की, इनके बारे में हम 1 by 1 इनको डिस्कस करेंगे। और इसके ऊपर मैंने इस पूरे जो सर्विसेज हैं NPCI की, इनको मैंने 2 कैटेगरीज़ में, 2 पार्ट में बांट दिया है। यानी कि NPCI का पार्ट 1 ये आज का वीडियो होगा, और इसके बाद मैं दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें कुछ सर्विसेज को डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम NACH को डिस्कस करेंगे, NFS को, UPI को,
भीम को और IMPS को। आज हम इतनी सर्विसेज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये रेस्ट ऑफ द फोर सर्विसेज विल बी डिस्कस्ड इन अ सेपरेट वीडियो। ठीक है, ये चार जो सर्विसेज हैं ये NPCI पार्ट टू जो वीडियो आएगा उसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको वन बाय वन। पहली है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस NACH। बिफोर गोइंग इन टू द डिटेल्स ऑफ NACH वी फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज ECS। ये जितने भी बैंकिंग के एब्रीवेशन इस वीडियो में यूज़ हो रहे हैं इनको आप कहीं ना कहीं ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, NACH ने क्या किया था कि जब NPCI ने NACH को लॉन्च किया था इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में तो उसने क्या किया कि ECS को रिप्लेस किया था। ठीक है, NACH ने पहले ECS यूज़ होता था फिर NACH आ गया तो NACH यूज़ होने लगा, ECS जो है ऑब्सोलीट हो गया। तो हमें पहले ECS के बारे में जानना पड़ेगा कि ये क्या था, क्या काम करता था, उससे रिलेटेड फिर हमें समझ में आएगा NACH के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज यानी कि ECS। ECS इज एन इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ फंड्स ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर। RBI ऑफर्स ECS फॉर फास्टर पेमेंट्स। ECS इज एन इलेक्ट्रॉनिक मोड पेमेंट ऑब्लिक रिसिप्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स दैट आर रिपीटेटिव एंड पीरियोडिक इन नेचर। ECS इज यूज बाई इंस्टीट्यूशंस फॉर मेकिंग बल्क पेमेंट ऑफ अमाउंट्स टूवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट सैलरी पेंशन एटसेट्रा। बट ECS लैक सर्टेन थिंग्स लाइक इट टेक्स अराउंड 30 days फॉर इट्स एक्टिवेशन आफ्टर सबमिटिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। To overcome the problem faced by ECS, National Payment Corporation of India यानी कि NPCI came up with another system called as NACH, National Automated Clearing House. ECS क्या था? Electronic Clearing Service. ECS stands for Electronic Clearing Service. ECS का क्यों यूज़ होता था? इलेक्ट्रॉनिक मोड में फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए, सैलरी के लिए, इंटरेस्ट के लिए, पेंशन के लिए, डिविडेंड के लिए। बट ECS जो है प्रॉब्लम क्या करता था कि ECS का टाइम जो था, टर्न अराउंड टाइम जो था वो बहुत ज़्यादा था, अराउंड 30 days था। तो उसको और भी कई सारी प्रॉब्लम्स थी, ये रीजन वाइज होता था। ECS जो है मल्टीपल ECS सिस्टम होते थे, ऑल अराउंड द कंट्री सिर्फ एक ECS सिस्टम नहीं होता था, ये रीजन वाइज होता था, रीजन बेस्ड होता था, मल्टीपल ECS सिस्टम्स वर्क करते थे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो इन सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए NPCI ने क्या किया कि NACH को लॉन्च किया। अब हम जानते हैं NACH के बारे में। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस इज अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम लॉन्च्ड विद एन एम टू कंसोलिडेट मल्टीपल ECS सिस्टम्स रनिंग अक्रॉस द कंट्री। जो मल्टीपल ECS सिस्टम्स हैं उनको जो है एक ही NACH से रिप्लेस करने के लिए, एक ही सिस्टम से रिप्लेस करने के लिए NACH को लॉन्च किया गया। ये सेंट्रलाइज्ड है और थ्रू आउट द कंट्री सेम है। This service is now active in all Indian banks with core banking facility. Like ECS, NACH has also debit and credit variants. Debit का भी है और इसका credit का भी variant है. The process of activation of ECS mandates had a longer turnaround time, 30 days का था, और जबकि ये 10 days का expected है. ठीक है, How NACH is different from ECS? क्या difference है दोनों में? पहला, NACH consolidates all regional ECS systems into one national payment system. ECS is controlled by RBI while NACH is managed by NPCI, National Payment Corporation of India. ECS को कौन मैनेज करता था? RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक मैनेज करता था ECS को। और दूसरा, NACH को कौन मैनेज करता है? National Payment Corporation of India. A reduction in turnaround time to 10 days is expected via NACH while it was around 30 days in ECS systems. तो ये थी NACH के बारे में सारी की सारी जानकारी। अब हम बढ़ते हैं दूसरी यानी कि सेकेंड सर्विस जो है NPCI की, नेशनल फाइनेंशियल स्विच यानी कि NFS। देखिए सबसे पहले इसको समझ लीजिए ये है क्या, मोटे मोटे तौर पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। To interconnect the ATMs in the country and facilitate easy banking for common man,
द इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मैंने डिस्कस किया है आपसे बैंकिंग अवेयरनेस के भी वीडियो में जो RBI के ऊपर था, और बैंकिंग अवेयर एब्रीवेशन के वीडियो में भी मैंने IDRBT को डिस्कस किया है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, इसका हेडक्वार्टर कई बार पूछा जा चुका है, जो कि मैंने हैदराबाद के यहाँ पर इसीलिए लिखा है ताकि आपको 3-4 बार आपकी आंखों के सामने आएगा तो ये लर्न हो जाएगा कि IDRBT का हेडक्वार्टर हैदराबाद। ये पूछा जा चुका है लास्ट ईयर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो PGDF का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, लास्ट टू लास्ट ईयर IBPS क्लर्क में भी पूछा जा चुका है IDRBT का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद है। देखिए नेशनल फाइनेंशियल स्विच क्या है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच सारे जो ATMs हैं हमारी कंट्री में उनको आपस में रिकनेक्ट करने के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए, इंटरकनेक्ट करने के लिए ये जो है नेशनल फाइनेंशियल स्विच नाम की सर्विस डेवलप की गई थी। और इसको डेवलप किसने किया था, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी यानी कि IDRBT हैदराबाद ने, जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इन्होंने नेशनल फाइनेंशियल स्विच को डेवलप किया था और फिर IDRBT ने नेशनल फाइनेंशियल स्विच का मेंटेनेंस जो है वो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को हैंडओवर कर दिया है। IDRBT, मैंने इस बात को लिखा भी हुआ है, मेंशन भी किया है, IDRBT हैज़ हैंडेड ओवर द मेंटेनेंस ऑफ NFS टू नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फॉलोइंग बेसिक ट्रांजेक्शन्स आर अवेलेबल इन NFS नेटवर्क, पहला कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, पिन चेंज एंड मिनी स्टेटमेंट, दीज आर दी ट्रांजेक्शन्स दैट आर अवेलेबल इन दी NFS। तो देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि NFS इज प्रोवाइडेड बाई विच ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका आंसर NPCI होगा। बट NFS डेवलप्ड बाई विच ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका आंसर होगा IDRBT, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। इसके बाद में नेक्स्ट थर्ड सर्विस है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज अ पेमेंट सिस्टम लॉन्च्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। UPI इज अ पेमेंट सिस्टम दैट अलाउज ट्रांसफर बिटवीन एनी टू बैंक अकाउंट बाय यूजिंग अ स्मार्टफोन। तो UPI क्या है, UPI व्हाट इज UPI, UPI स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लॉन्च्ड बाय NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। UPI क्या है, पेमेंट सिस्टम है जो कि अलाउ करता है मनी ट्रांसफर बिटवीन एनी टू बैंक अकाउंट यूजिंग अ स्मार्टफोन। UPI अलाउज अ कस्टमर टू पे डायरेक्टली फ्रॉम अ बैंक अकाउंट टू डिफरेंट मर्चेंट्स बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन विदाउट द हैसल ऑफ टाइपिंग क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, IFSC कोड और नेट बैंकिंग वॉलेट पासवर्ड्स। ठीक, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है UPI के, इमीडिएटली मनी ट्रांसफर थ्रू मोबाइल डिवाइस राउंड द क्लॉक 24x7x365, सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन टू एक्सेस डिफरेंट बैंक अकाउंट्स। ये मेजर पॉइंट है, इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट बैंकिंग एब्रीवेशन बनता है MMID। ये कई बार पूछा जा चुका है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ठीक है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर ये क्या है, जब आप अपना बैंक ये UPI का ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब आप अपना मोबाइल नंबर जो आपके अकाउंट में रजिस्टर्ड है उसको यहाँ पर डालते हैं तो MMID जनरेट होती है। ये 7 डिजिट का जो है कोड होता है, यूनिक कोड होता है, तो इसको हम बोलते हैं MMID यानी कि मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। तो सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन, ऐसा नहीं है कि हमारे पास अगर 2 अकाउंट हैं, एक SBI का है एक HDFC का है, तो हमें 2 एप्लीकेशन डालने पड़ेंगे, 4 अकाउंट हैं तो हमें 4 एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डालने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। सिंगल एप्लीकेशन से सारे अकाउंट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, सिक्योरिटी के लिहाज से भी UPI बहुत ही इंपॉर्टेंट है। UPI जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द NPCI। इस समय जितनी भी सर्विसेज NPCI देता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो UPI है। इसके बाद में नेक्स्ट आगे बात करते हैं भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम ऐप। भीम ऐप के बारे में ये बहुत ही अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था। इट इज़ अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI। बेनिफिट्स क्या है इसके भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम ऐप के, भीम अलाउज यूजर्स टू सेंड और रिसीव मनी
टू अदर यू पी आई पेमेंट एड्रेसेस और अकाउंट नंबर विद आई एफ एस सी कोड और मोबाइल मनी आइडेंटिफायर यानी कि एम एम आई डी कोड टू यूजर्स हु डू नॉट हैव अ यू पी आई बेस्ड बैंक अकाउंट. भीम अलाउज यूजर्स टू चेक देयर करेंट बैलेंस. थर्ड पार्ट, यूजर्स कैन क्रिएट देयर ओन क्यू आर कोड फॉर अ फिक्सड अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ हेल्पफुल इन अ मर्चेंट सेलर बायर ट्रांजेक्शन. भीम ऐप से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेनिफिट्स यानी कि फंक्शंस भी हम इसको बोल सकते हैं. बेनिफिट्स क्या हैं कि ये फंक्शंस भी हैं भीम ऐप के, वो सारे तीन मैंने आपसे साथ डिस्कस किए हैं. अब हम बात करते हैं इससे भीम से रिलेटेड. अभी तो हमने बात कर ली कि इसके बेनिफिट यानी कि फंक्शंस के बारे में. अब हम आगे बात करते हैं भीम के बारे में कि हाउ भीम इज़ डिफरेंट फ्रॉम अनदर पेमेंट्स ऐप, जैसे कि पेटीएम है. ठीक है, तो भीम में और पेटीएम में क्या डिफरेंस है. सबसे देखिए लिखा हुआ है, उसको एक बार रीड करते हैं. ऑन भीम ऐप यूजर्स कैन चेक देयर बैंक बैलेंस एंड ट्रांजेक्शन डिटेल्स लाइक अनलाइक अदर मोबाइल वॉलेट्स लाइक पेटीएम. भीम पे क्या है कि आप अपने जो अकाउंट लिंक है भीम से, आप उस अकाउंट को एक्चुअल अकाउंट का बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस और ट्रांजेक्शन डिटेल वगैरह सारी जो है वो ट्रेस कर सकते हैं. जबकि दूसरे जो मोबाइल वैलेट हैं जैसे कि पेटीएम है, तो वो सिर्फ आपको वही एक्सपेंसेस ट्रैक करने में आपकी हेल्प करेगा जो आपने उस वैलेट के थ्रू एक्सपेंसेस किए हैं. उसमें आप अपने अकाउंट का, ओरिजिनल अकाउंट का बैलेंस नहीं चेक कर सकते हैं. जैसे सपोज दैट आपने अपने अकाउंट से 1000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर लिए पेटीएम के अंदर, तो सिर्फ उन 1000 रुपीज़ को आप ट्रैक कर सकते हैं. ओरिजिनल अकाउंट में आपके कितना बैलेंस है, कितना नहीं है, कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, वो आप नहीं ट्रैक कर सकते हैं. जबकि भीम अलाउज दिस. ऑन भीम ऐप, एक बार फिर से रीड कर लीजिए. ऑन भीम ऐप यूजर्स कैन चेक देयर बैंक बैलेंस एंड ट्रांजेक्शन डिटेल्स अनलाइक अदर मोबाइल वॉलेट्स लाइक पेटीएम. अदर मोबाइल वॉलेट्स हेल्प यू टू ट्रैक एक्सपेंसेस डन थ्रू योर वॉलेट ओनली. ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन भीम ऐप एंड अदर पेमेंट ऐप लाइक पेटीएम. इसके बाद में नेक्स्ट, आज की लास्ट है ये जो सर्विस है प्रोवाइडेड बाई NPCI, इमीडिएट पेमेंट सर्विस. इसके बारे में बात कर लेते हैं. अ लिटिल हिस्ट्री देख लेते हैं क्या है. बिफोर IMPS सिस्टम द ट्रांजेक्शंस कुड बी डन आइदर बाई NEFT और RTGS, बट देयर वर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑफ NEFT RTGS, लाइक NEFT वॉज अवेलेबल टू द पब्लिक ओनली इन वर्किंग आवर्स और सैटरडे को अवेलेबल नहीं होता था NEFT. बेसिकली ये होता है ट्रांसफ़र करने के लिए. ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी कि जो दो बैंक अकाउंट हैं आपके अगर, या आपका और किसी फ्रेंड का, तो उसमें कुछ मनी ट्रांसफ़र करने के लिए. NPCI विद सम बैंक्स लाइक SBI, यूनियन बैंक, PNB एट्सेट्रा कंडक्टेड अ पायलट स्टडी टू क्रिएट अ सिस्टम दैट वर्क्स 24x7x365. एज अ रिजल्ट IMPS वॉज लॉन्च्ड ऑन 22nd November. यहाँ पर मंथ मिसिंग है, 22nd November 2010. ठीक है, देखिए पहले क्या होता था, ट्रांसफ़र के लिए NEFT और RTGS की फैसिलिटी होती थी, बट उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. पहली बात तो NEFT जो था वो वर्किंग आवर्स में ही पब्लिक के लिए अवेलेबल था. RTGS में मिनिमम लिमिट होती थी, उससे कम का बैलेंस आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसके लिए आपको NEFT यूज़ करना पड़ेगा. NEFT वर्किंग आवर्स में अवेलेबल होता था, सैटरडे को और RBI हॉलीडेज़ पर अवेलेबल नहीं होता था. तो NPCI ने क्या किया, कुछ बैंकों के साथ, जैसे जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं, सरकारी गवर्नमेंट जो बैंक हैं, SBI, यूनियन, PNB, इनके साथ एक स्टडी करी, कंडक्टेड अ पायलट स्टडी टू क्रिएट अ सिस्टम जो कि 2400 घंटे सातों दिन 365 दिन पब्लिक को अवेलेबल हो. तो इसका रिजल्ट क्या हुआ इस स्टडी का, कि IMPS जो है 22 नवंबर 2010 को लॉन्च हो गया. क्या है IMPS, आइए जान लेते हैं. इमीडिएट पेमेंट सर्विस इज एन इंस्टेंट रियल टाइम इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम ऑफ इंडिया. IMPS offers an interbank electronic fund transfer service through mobile phones. IMPS is provided by NPCI through its existing NFS switch, यानी कि National Financial Switch. Objectives क्या हैं इसके, इसके goals क्या हैं, क्यों इसको लॉन्च किया गया था. To enable bank customers to use mobile as a channel for accessing their bank accounts. And second है, to facilitate mobile payment systems already introduced in India by Reserve Bank of India, यानी कि RBI. ठीक है, तो these are the basic objectives of the NPCI. ये जो आज का वीडियो था हमारा, इसमें हमने 5 सर्विसेज NPCI की आपके साथ शेयर करी हैं. नेक्स्ट वीडियो बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर हम एक दो दिन में आप तक लेकर के आएंगे.
जिसमें हम NPCI पार्ट टू यानी कि जो रिमेनिंग सर्विसेज हैं उनको आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साई एजुकेशन को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिए। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक यू।